नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जींद के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेश के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मेरे साथ मिलकर जोर से जयघोष लगाएंगे, भारत माता के, भारत माता के। आज राष्ट्र अपना 71वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मना रहा है। मैं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जींद हरियाणा का हृदय स्थल है, वह ऐतिहासिक नगर भी है। यह पावन धरा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा के अंदर आने वाला, ये परिधि में आने वाला शहर है। कहते हैं अन्याय पर न्याय की विजय। इसी क्षेत्र में विजय के प्रतीक विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध लड़ने के समय पांडवों ने इसी धरा पर माता जयंती देवी की आराधना की थी। इसलिए ऐतिहासिक स्थान आज के दिन 26 जनवरी कोई केवल मात्र तारीख नहीं है, 26 जनवरी अपने आप एक इतिहास है। ये गणतंत्रता का इतिहास। इस दिन हम लोग भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य को स्वीकार करने वाले देश के नागरिक हैं। और इसी दिन लगभग 2.5 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 को अपनी गुलामी की बेड़ियां काटकर हम लोगों ने स्वतंत्रता की हवा में श्वास लेना शुरू किया था। आज़ादी के लिए असंख्य राष्ट्रभक्तों ने अपने जीवन की कुर्बानियां दी थी। और अंडेमान निकोबार, जिसे काला पानी भी कहते हैं, कि काल कोठियों में यातनाएं झेली। आइए हम सब मिलकर अपनी आज़ादी के मतवालों को नमन करें, उनके बलिदानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। मैं विशेष तौर पर उन सब सीमा प्रहरियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो दिन रात हर मौसम में न सर्दी न गर्मी की परवाह किए बिना हर हालत में देश की सीमाओं की मुस्तैदी से सुरक्षा कर रहे हैं। वर्ष 1950 में आज के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ और भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बना। हमारा संविधान लोकतंत्र का पावन ग्रंथ है। इस संविधान में भारत की आत्मा बसती है, भारतीय सभ्यता की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया की परिकल्पना हमारे संविधान का मूल मंत्र है। इसी की बदौलत हर देशवासी को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति तथा उन्नति के समान अवसर मिले। संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर व सरदार पटेल, इन जैसे महान नेताओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर मैं उन्हें भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिछले 7 दशकों में देश में हुए विकास का जब हम सिंहावलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि राष्ट्र के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति की है। हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विज्ञान,
प्रौद्योगिकी और इनोवेशन के बलबूते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 3 ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। 1 जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का है, 2 नागरिकता संशोधन कानून बनाने का है और 3 मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए 3 कानून का है। देश हित में ये बदलाव बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। भारत ने अपना रुख नरम रुख अपनाते हुए नागरिकता संशोधन कानून बनाया है। इस कानून के बनने से पड़ोसी देशों से धर्म के नाम पर प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेने वाले वहाँ के हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, जैनियों, पारसियों और बौद्धों, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। आज नागरिकता संशोधन कानून पर देश में भ्रम फैलाने की बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए है। मुझे गर्व है कि हरियाणा के लोगों ने मानवीयता से परिपूर्ण इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत किया है। भाइयों बहनों, जहां एक ओर अपना देश गणतंत्र अपनाने के बाद चौमुखी विकास कर रहा है, वहीं हरियाणा ने भी अपने गठन के बाद इन 53 वर्षों में देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दिया है। पिछले 48 वर्षों में हमारी सरकार बनने से पहले इस प्रदेश की प्रगति सभी मुख्यमंत्रियों ने की है। मैं किसी का नाम लेने की बजाय मैं सबको इस बात का श्रेय देना चाहता हूं कि जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 में, तो ये कहा जाता था कि हरियाणा अपने आप को कैसे अस्तित्व में रख पाएगा, क्योंकि हरियाणा के साधन इतने नहीं हैं कि अपने कर्मचारियों की ये तनख्वाह भी दे सके। लेकिन मैं हरियाणा की जनता जिस उत्साह से, उल्लास से, उन्होंने अपने कठिन परिश्रम, मेहनत से, अपनी सूझबूझ से हरियाणा को 1966 के हरियाणा से लेकर आज तक आगे बढ़ाया है, मैं हरियाणा वासियों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आगे के लिए भी हम इसी प्रकार की प्रगति ये करते रहेंगे। और इस हमारे 5 का जो योगदान है, जिस प्रकार से हमने समाज जीवन के हर क्षेत्र को उसको उच्च स्तर पर ले जाने का काम किया है, चाहे वो रोटी, कपड़ा और मकान की बात हो, चाहे बिजली, सड़क, पानी की बात हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात हो, और चाहे लोगों के स्वाभिमान की बात हो, सम्मान देने की बात हो, हमने हर काम को बहुत बेखूबी आगे बढ़ाया है। हमने सामाजिक परिवर्तन में भी बहुत काम किए हैं। हमको ध्यान में है कि देश में महिला लिंगानुपात, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने प्रकट की। हरियाणा उसमें बहुत पीछे था। हमने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने सब प्रकार के प्रयत्न किए, जनता का सहयोग सहभाग हमको मिला और वो जेंडर रेशियो जो 871 थी, आज बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज वो 923 पहुंच गई है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हरियाणा ने करके दिखाया है। महिलाओं की सुरक्षा के नाते महिलाओं के अलग से थाने खोले हैं, और थाने खोलने का अर्थ महिला की सुरक्षा, स्वावलंबिता, महिलाओं को अधिकार देने का काम, ये सब करने के लिए आगे बढ़े हैं। और महिलाओं को कहा है अब ना सहिए, खुल के कहिए। आज महिलाएं अपने ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार होने पर अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी बात को एकदम जाकर के खुले तौर पर महिलाओं के थाने में दर्ज कराती हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। हमने सामाजिक परिवर्तन में एक बड़ा काम किया। हमारी पंचायतें, उनको पढ़ा लिखा होना अनिवार्य किया। हरियाणा देश का पहला राज्य है कि इस प्रकार के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ करके और लागू कराया है। आज उसका प्रभाव ये हुआ है कि गांव में विकास ये बखूबी होने लगा है। हर पंच सरपंच अपनी जिम्मेवारी को सामने रख करके और समाज में काम करने के लिए आगे आया है। पंचायतों ने होड़ लगी है। 7-स्टार पंचायतों का जो हमने एक प्रकल्प शुरू किया, हर पंचायत प्रतियोगी भाव से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, चाहे उसके अंदर लिंगानुपात की बात हो, स्वच्छता अभियान की बात हो, पर्यावरण की बात हो, पानी बचाने की बात हो, सब विषयों में आगे बढ़ करके आ रहे हैं। हमने बालिकाओं के लिए स्कूल और कॉलेज जाने वाली बालिकाएं, उनको यातायात की सुविधाएं भी दी हैं।
151 रूट ऐसे तय किए गए हैं जहां बालिकाएं सुरक्षित और यातायात का साधन लेकर के अपने शिक्षण स्थान पर पहुंच सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी हमने पानी बचाने की मुहिम ये भी जनता के सामने रखी है। किसानों में बहुत लोग आगे आए हैं जिन्होंने कहा कि धान की फसल की बजाय हम अन्य फसलों का उपयोग करेंगे, उनकी बुआई करेंगे जिसमें पानी की खपत कम होती है। हमने उसमें सूक्ष्म सिंचाई के प्रावधान भी किए जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जितना पानी हमारे पास है उसी को उसको ठीक ढंग से उपयोग करने के लिए उसका प्रबंधन ठीक करके 300 टेल जहां 40 साल तक पानी नहीं पहुंचा था वहां हमने पानी पहुंचाया है। पौधारोपण का कार्यक्रम स्कूली विद्यार्थियों को ला करके और हमने हर साल पिछले 2 साल से 20-20, 22-22 लाख पौधे ये लगवाने का काम किया है। खुले में शौच मुक्त ये अभियान चलाया तो देश में हरियाणा सबसे पहला राज्य बना जो खुले में शौच मुक्त ये हुआ। इस प्रकार से कैरोसिन मुक्त हरियाणा ये भी हमने सबसे पहले इस टारगेट को अचीव किया है और इसके अंतर्गत 9 लाख से ज़्यादा गैस कनेक्शन हरियाणा के अंदर ये हमने मुफ्त में दिलवाए हैं। ऐसे ही स्वच्छता अभियान भी बहुत जोरों से गाँव में और शहरों में चल रहा है। इसी प्रकार किसानों के उत्थान के लिए बहुत योजनाएं हमने बनाई, चाहे उसमें किसानों की एकमुश्त ऋण निपटान योजना हो, ऋणों के कुचक्र से बाहर निकालने के लिए इस योजना का लाभ 3,78,000 किसानों ने अभी तक उठाया है और जिसमें 1782 करोड़ रुपए के ब्याज की ये माफी हुई है। अभी ये योजना लगातार चल रही है, अनुमान है लगभग 6,000 करोड़ रुपए का लाभ ये किसानों को इसमें होगा। इसी प्रकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा इस पोर्टल के माध्यम से आज किसान की हर फसल का ब्यौरा उसमें दिया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई आपदा आने पर किसानों को मुआवजा ठीक से मिल सके, सरकार योजना ठीक से बना सके, उनकी बिक्री ठीक से हो सके। अर्थात जो किसानों की फसल की बिक्री जो होती थी उसमें कठिनाइयां आती थी, मंडीकरण के कारण से उसमें सुविधा उनको हो सके, समय पर उनको पेमेंट मिल सके। इस प्रकार किसानों ने 5 लाख किसानों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा करके और इन सारी योजनाओं का लाभ उठाया है। जो किसान अपनी फसल बेचने में घाटा होता था, खास करके सब्जियां और फल, उनके लिए हमने भावांतर भरपाई ये योजना शुरू की है। बाजरा और सरसों इसमें भी भावांतर भरपाई की योजना के माध्यम से हम जो घाटा है वो सरकार की ओर से उनको दे रहे हैं। ऐसे ही जैविक खेती और परंपरागत खेती इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जीरो बजटिंग खेती ये प्रयोग भी बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स की बजाय देसी खाद, केचुए की खाद अथवा एक ऑर्गेनिक तरह के प्रोडक्ट उसमें तैयार हो ताकि लोगों का जो बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य है खाद्य सामग्री के कारण से उसको भी हम कंट्रोल कर सकें, कैंसर जैसी बीमारी जो फैलती है उसको हम रोक लगा सकें। इसी प्रकार किसानों के लिए एक फूल की मंडी गुरुग्राम में, ऐसे ही मसाला की मंडी, फल और सब्जी मंडी गन्नौर के अंदर, ये सब बिक्री केंद्र किसानों के लिए अच्छे गुणों के उपलब्ध हों, अच्छी व्यवस्था के उपलब्ध हों, ये हम प्रयत्न कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये भी जारी करने की हमारी योजना है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा रहा है प्रदेश में ताकि एलोपैथी की बजाय आयुर्वेद के ऊपर उनका खर्च भी कम आता है और बीमारियों का इलाज करते समय जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी कम होते हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाना, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स 2000 वेलनेस सेंटर खोलने की हमारी योजना है। गांव-गांव में जहां पार्क एवं व्यायामशालाएं बनाई गई हैं उनके साथ वेलनेस सेंटर खोलने की भी हमारी योजना है। योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हम हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो मनाते ही हैं, योग परिषद का गठन करके प्रदेश में युवकों की और सब लोगों की स्वास्थ्य के लिए उनके मन में एक प्रेरणा जागृत हो तो योग का सहारा लेकर के शरीर स्वस्थ रहे, अस्वस्थ होने की बात ही ना आए ताकि हम इलाज की ओर आगे न बढ़ सकें। इसी प्रकार डॉक्टर्स की संख्या हमारे बहुत कम थी, अभी 750 से बढ़कर 5 साल के बाद 1450 डॉक्टर्स की MBBS की सीटें ये हमने बनाई हैं और 3 नए मेडिकल कॉलेज भी पिछले 5 वर्ष में खोले हैं। अभी जो शेष जिले बचे हैं
उनमें भी एक एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना हमारी ये बन रही है। आने वाले समय में हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो हमारी योजना है उसको हम पूरा करेंगे। ई गवर्नेंस के माध्यम से सामाजिक जीवन की बहुत सी समस्याओं को हमने हल किया है, भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। गांव-गांव में CSC साझा सेवा केंद्र ये खोले गए हैं, शहरों में सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र ये खोले हैं, और हर व्यक्ति को सरकार की सेवा और योजना का लाभ घर बैठे मिले। सरल केंद्र और अंत्योदय केंद्र की इस योजना का हमको देश भर के अंदर एक गोल्ड अवार्ड भी मिला है। हमने एक उच्च स्तर की व्यवस्था को खड़ा किया है। भूमि रिकॉर्ड वेब हेल्पलाइन माध्यम से हम कर रहे हैं, ताकि डिजिटल सब प्रणाली से हर एक भूमि का टुकड़ा वो उसके ऊपर आएगा, ताकि जो भूमि के विवाद हैं आज के समय में भूमि का उसका जो बंटवारा है, डिवीजन है, उसके भी लगभग 50,000 केस ये पेंडिंग हैं, ताकि उसमें एक व्यवस्थित तरीके से हम डिजिटलाइजेशन करके और इस समस्या का हल निकाल सके। व्यापारियों के लिए भी बीमा योजना बनाई है, पेंशन में हमने बढ़ोतरी की है 2,250 और श्रमिकों की पेंशन 2,750 रुपये किया है, ताकि एक सामाजिक सुरक्षा योजना में इन लोगों को भी लाभ लगातार मिलता रहे। विकास की बातों में शहरों का विकास अमृत योजना के माध्यम से पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, इसके ऊपर लगभग 2,400 करोड़ रुपया हमने पूरे प्रदेश में पिछले वर्ष में खर्च किया है, और इसकी योजनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम इस योजना को 14,000 तालाबों को ठीक करने की योजना हमारी वो प्रारंभ हो गई है। हम अगले आने वाले 5 वर्ष में सभी तालाबों की व्यवस्था, उनको इरिगेशन का जोड़ना, साफ पानी तालाब में जाए, ताकि तालाब का जो उपयोग है वो हर दृष्टि से उच्चतम उपयोग हम कर सकें, और उसके लिए पानी की रिचार्जिंग जो हमारे स्थान आ गए हैं जिनको हम डार्क जोन कहते हैं, डार्क जोन एरियाज में पानी की रिचार्जिंग से पानी का लेवल ऊपर उठे, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाने में कठिनाई ना आए। हर घर में पानी, जैसा हमने हर घर में गैस का कनेक्शन दिया, रसोई में हर रसोई के अंदर हम लोग योजना बनाई है कि 2022 तक हम लोग हर घर के अंदर पानी का नल, स्वच्छ पानी पीने का नल ये पहुंचा सकेंगे। इस प्रकार से इस कार्यक्रम को भी हमने पूरा किया है। इसी प्रकार युवाओं के लिए, युवाओं की शिक्षा, युवाओं का कौशल, और उसके बाद फिर उनकी प्लेसमेंट, इस पर हमारा पूरा जोर है। शिक्षा क्षेत्र में चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो, इसमें परीक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं, प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारे रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो गए हैं। हमने सक्षम जैसी योजना, चाहे स्कूली शिक्षा में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की बात है, और चाहे महिलाओं की शिक्षा के लिए नए कॉलेज खोलने की बात है, 31 नए कॉलेज हमने खोले हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद उनको कौशल विकास उनका हो, हमने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल के अंदर ये बनाया है। लगभग 12,000 विद्यार्थी हर वर्ष वहाँ से कौशल विकास करके और उनकी प्लेसमेंट का रास्ता ये आगे खुला है। इसी प्रकार सक्षम युवा पढ़ाई करने के बाद उनको जब तक अपना रोजगार नहीं मिलता, 3 साल के लिए उनको 9,000 रुपया, 7,500 रुपया अथवा 6,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और प्लस टू, इन विद्यार्थियों को, इन हमारे युवाओं को 100 घंटे काम के बदले और ये मानधन देने की योजना बनाई है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। हमने जितने काम किए हैं, आज एक समाज में एक वातावरण बना है जैसा ईज ऑफ डूइंग, हमने अपना जो पैरामीटर ठीक करके और अपनी रैंकिंग जो 2014 में 14वीं रैंकिंग थी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2018 का जो हमारा निर्णय आया है उस आंकलन में हमको 3रा रैंक मिला है, अर्थात 11 रैंक का जंप हमने किया है। देश में केवल 2 प्रांत हमसे आगे हैं, झारखंड, 2 प्रांत आगे हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3रे स्थान पर, उत्तर भारत में हम फर्स्ट आए हैं। इसी प्रकार ईज ऑफ लिविंग, रहन सहन की सुविधाएं किस प्रकार से मनुष्य जीवन को सुखी करें, इस पर हम काम कर रहे हैं। और परिवार पहचान पत्र नाम से एक योजना वो आज ही शुरू करने वाले हैं, आज उसका लॉन्चिंग है 3 बजे। उसके बाद हर परिवार को और अपना रजिस्ट्रेशन करा करके परिवार के सब सदस्यों की जानकारी देनी होगी।
आय की जानकारी देनी होगी। 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम है, ऐसे परिवारों को 6,000 रुपए की जो सहायता हमने घोषणा की थी वो आज से देना प्रारंभ कर देंगे। और हमको हमारा टारगेट है कि अगले 31 मार्च तक हम 20,00,000 लोगों को इसका लाभ देने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार उनकी जितनी योजनाओं के प्रीमियम बकाया हैं, चाहे वो जीवन ज्योति योजना है, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अथवा पेंशन किसान मानधन पेंशन की बात है, और इसी प्रकार श्रमयोगी पेंशन की बात है, लघु व्यापारी की पेंशन की बात है, उस सब का प्रीमियम इस पैसे में दे करके अब किसी को अपने पास से प्रीमियम न देना पड़े, ताकि उनकी ये सारी पेंशन की सुविधाएं, सब जो सुरक्षा की बातें, सामाजिक सुरक्षा की बातें, उनकी पूरी हो सके, इसकी लॉन्चिंग आज होने वाली है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग सब जानते हैं लाल डोरा नाम से बहुत सी समस्याएं उनको आती हैं गाँव में। कहीं लाल डोरा समाप्त करने की बात आती है, कहीं लाल डोरा बढ़ाने की बात आती है। हमने निर्णय लिया है कि अब ये सारा क्षेत्र रेवेन्यू रिकॉर्ड उसके बनेंगे, और रेवेन्यू रिकॉर्ड बन करके ऐसे गांव की हर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक सब लोगों को मिलेगा, और उससे वो अपनी ज़मीन को बैंक से भी लोन ले सकते हैं, उसका अच्छा मकान बनवाएंगे, उसकी रजिस्ट्री होगी तो मलकियत भी पक्की होगी। तो लाल डोरा समाप्त करने का एक कार्यक्रम आज करनाल के सिरसी गांव से प्रारंभ हो रहा है। सिरसी गांव ने अपने आप को तैयार कर लिया है, वहां के ग्रामीण क्षेत्र के सब लोगों को उनका मालिकाना हक आज मिलने वाला है, और ये क्रम आने वाले समय में हर एक गांव के अंदर लागू हो करके एक बहुत बड़ी कठिनाई गांव की हम समाप्त करने वाले हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने अगले वर्ष फोकस करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा और स्वावलंबन, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, उस रोजगार के अवसर उसको मिले, इस प्रकार का हम योजना बना करके और आने वाले समय में हरियाणा को कोई भी युवक बेरोजगार न रहे, ऐसी सब योजनाएं हमारी एक प्रकार से सुशासन संकल्प वर्ष के अंदर ये हम करने वाले हैं। मादक पदार्थों का विषय, ये भी गंभीर विषय है, इस पर भी हम लोग बहुत सख्ती से कार्रवाई करके मादक पदार्थों की जो आवक है उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, और मादक पदार्थों का उपयोग करने वाले जो नौजवान गलत एक फंस गए हैं आदत में, उनको कैसे उसमें से बाहर निकाला जाए, जनजागरण किया जाएगा, उनके लिए इलाज के केंद्र बनाए जाएंगे, इस प्रकार हम मादक पदार्थों के सेवन के उसमें से भी बाहर निकलेंगे। हमने शराब के लिए ठेके खोलने का अधिकार ये भी ग्राम सभाओं को दिया है कि किसी भी ग्राम सभा के 10% लोग यदि लिख कर देते हैं तो उस गांव में ठेका नहीं खोला जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि 872 गांव से ये प्रस्ताव आया है, इस बार उन 872 गांव में और शराब का सेवन, एक प्रकार से शराब की बिक्री ये बंद हो जाएगी। हमने इस बार हमारे जो न्यायालय है, न्यायालयों के अंदर हिंदी का उपयोग, इसको कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो जिला स्तर के न्यायालय हैं अथवा हाई कोर्ट के न्यायालय, इस न्यायालयों में हिंदी का उपयोग हो और जो निर्णय दिए जाए वो निर्णय सब हिंदी में दिए जाए, इसका एक प्रावधान भी हमने किया है। इसी प्रकार ईज ऑफ लिविंग के ये सारे काम करते हुए बहुत योजनाओं का खुलासा आने वाले बजट सत्र में होगा, क्योंकि मैं स्वयं इस बार वित्त मंत्री का दायित्व भी देख रहा हूं, तो वित्त मंत्री के नाते से मुझे बजट पेश करने का मौका मिलेगा। बहुत योजनाएं अभी लंबित हैं, बजट में उनकी सबकी घोषणाएं की जाएंगी, ताकि हमारे प्रदेश का हर नागरिक किस प्रकार से सुखी हो, कैसे वो सुरक्षित हो, कैसे वो स्वावलंबी बने, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग, मैं तो इतना ही आप लोगों से आह्वान करूंगा कि हम देश निर्माण में और प्रदेश के निर्माण में सब लोग अपनी अपनी सहभागिता करें और संकल्प लें मन में कि देश के अंदर एक स्वच्छ वातावरण, शांतिमय वातावरण और देश के गौरव के साथ साथ प्रदेश का गौरव भी आगे बढ़े, ताकि हम भी अपने आप को प्रदेश के साथ जोड़ करके यथा योग्य जो काम करने का आह्वान किया जाए उसके हम खड़ा होते हैं। आज के इस 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।